जहाँ आजकल के नौजवान अपनी बाइक्स को मॉडिफाई करके बड़े शान से घूमने निकलते हैं, वहीं ये नौजवान अपनी बाइक्स में आइवरमेक्टिन इंजेक्शन, बीटाडीन और मेलेनेक्स जैसी दवाइयाँ रख के जख्मी जानवरों को ढूंढने निकलते हैं। साथ ही इन्होंने कुछ ऐसे अधिकार भी खोज निकाले जिनके बारे में अधिकांश लोगों को शायद पता ही ना हो। लेकिन पहले जानते हैं कि आखिर ये लोग हैं कौन। मैं मध्य प्रदेश सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ और हमारी संस्था का नाम है गौ सेवा संस्थान सिंगरौली। पिछले 1.5 सालों में अभी तक हमने 270 रेस्क्यूज किए हैं, जिनमें शुरुआत के जो 110 रेस्क्यूज हमने किए थे तब तक हमारे पास शेल्टर नहीं था, हम लोग स्पॉट पे ही जाके ट्रीटमेंट करते थे। जब कोविड में लॉकडाउन के दौरान लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे, ये लोग एक एनिमल रेस्क्यू शेल्टर का गठन कर रहे थे, साथ ही सड़कों पे भूखे और जख्मी जानवरों की मदद करने में जुटे थे। सबसे इंस्पायरिंग केस हमारा पहला केस था जब हमने एक गाय को शेल्टर लाया था और उसका आगे का पैर टूट गया था। वो गाय करीब 1 महीने से जहाँ पे उसका पैर टूटा हुआ था वहाँ से उठी नहीं थी। सबने कह दिया था कि ये गाय एक बार बैठान ले ली है तो अपनी कभी खड़ी नहीं हो सकती। आज ये 3 महीने बाद आज ये आगे का वाला पैर भी यूज कर रही है। उस गाय में इतना इम्प्रूवमेंट आया वो धीरे धीरे खड़े होके चलना फिरना शुरू कर दी। जब लोग एनिमल रेस्क्यू शुरू करने का सोचते हैं तो वो इसी दुविधा में फंसे रहते हैं कि आखिर रेस्क्यू चलाने के लिए जगह कहाँ से आएगी। लेकिन इन्होंने अपने अधिकारों का पूरा इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसा किया। सारे वेटनरी हॉस्पिटल्स के कैंपस में एक छोटी सी जगह ऐसी बनाई जाती है जहाँ पे जानवरों को रख कर उनके इलाज किया जा सके, उसी जगह का हमने यूज करके अपना शेल्टर बनाया है। आप सब भी जो लोग देख रहे हैं, अगर आपको रखने के लिए जानवरों को ट्रीटमेंट देने के लिए अगर कोई जगह नहीं है तो आप अपने वेटनरी हॉस्पिटल में संपर्क करें, उनसे जानकारी लें और आप भी ऐसा काम वहाँ पे शुरू कर सकते हैं। साल 2001 में सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी जिसके तहत हर डिस्ट्रिक्ट में SPCA यानी कि सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स का गठन करना अनिवार्य है, जिससे उस डिस्ट्रिक्ट को जानवरों की मदद करने के लिए एक एम्बुलेंस और कुछ जमीन अवेलेबल होनी चाहिए। इस सब के बाद भी कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिससे गौ सेवा संस्थान जूझ रहा है। जब सीवियर केसेस आते हैं तब हमें शेल्टर पे लाके उनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है जब तक वो ठीक ना हो जाए, और शेल्टर पे लाने का मतलब है एक बहुत ही लंबा खर्चा, क्योंकि एक तो उस जानवर का रोज ट्रीटमेंट करना पड़ता है और उसके साथ उसके खाने पीने की व्यवस्था देखनी पड़ती है, उसको सही ढंग से रखना यानी उसकी साफ सफाई, वॉलेंटियर्स का खर्चा, सब कुछ एक बहुत बड़ी मतलब खर्चे की लिस्ट बन जाती है। आप चाहें तो जो हमारी बेसिक मेडिसिन जो यूज़ होती हैं बराबर ट्रीटमेंट में उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप चाहें तो इनका जो खाना पीना रहता है, पशु आहार हम देते हैं सभी को, वो आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। आपसे निवेदन है कि आप जिस तरीके से हमारी मदद कर सकें ज़रूर करें।